स्टूडेंट्स, आज हम आपके इस पास फर्स्ट में समझे इंग्लिश ग्रामर में लेसन थर्ड पढ़ेंगे। इस पहले हमने दो चैप्टर पूरे कर लिए थे, आज लेसन थर्ड है नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स मतलब नाम के शब्द, या जिसको बोल सकते हैं नाम, संज्ञा, संज्ञा सब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नाम। तो नेमिंग वर्ड्स देखो, नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पर्सन्स। नेमिंग वर्ड्स क्या है? नेम्स ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों के नाम। पर्सन मतलब व्यक्ति, तो पर्सन्स प्लुरल्स है, व्यक्तियों के नाम। प्लेसेस स्थानों के नाम, एनिमल्स जानवरों के नाम, और थिंग्स वस्तुओं के नाम। ये क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स होता है, या नाउंस कह सकते हो। नेम्स ऑफ पर्सन्स, names of places, names of animals, names of things, ये नेमिंग वर्ड्स आएंगे। मतलब नाउन की परिभाषा भी, डेफिनेशन भी होगी, संज्ञा की परिभाषा है। नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। नेमिंग वर्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एग्जैक्ट नेम्स, या प्रॉपर नाम कह सकते हैं जिसको। आपके जो बुक में वो यही आया हुआ है, एग्जैक्ट नेम्स और कॉमन नेम। तो आपको क्या करना है? दोनों ही समझना है, क्योंकि जो अगली क्लास आएगी आपके, उसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज आएगी, नाउन हो जाएगा, और नाउन से चलेंगे नाउन के टाइप्स आएंगे। इसलिए अभी जो आपके बुक में वैसे ही समझना है। एग्जैक्ट नेम्स या प्रॉपर नाम जिसको व्यक्तिवाचक संख्या कहते हैं। An exact name is a special name of a person, place or thing. Exact name क्या होता है? एक विशेष नाम होता है, special name होता है इसका, व्यक्ति का, place स्थान का, thing वस्तु का। ये special name होगा उसको, मतलब अगर कोई thing है या place है या person है तो उसका kind होगा। कौन सा kind? कैसे? मोहन। मोहन क्या है? Boy है। सीता गर्ल है, मतलब स्पेशल नेम दे रहा है, ना कि ऐसा लिख रहा है बॉय और गर्ल। जयपुर सिटी का नेम है, इंडिया कंट्री का नेम है, इस प्रकार से। तो ऐसे नेम को आप जैसे समझना है, प्रॉपर नाम को जिसको कहते हैं व्यक्तियों की संख्या कहते हैं, ये व्यक्तियों के नाम। एग्जैक्ट नेम स्थाई नाम, एग्जैक्ट नेम स्थाई नाम। एन एग्जैक्ट नेम इज ए स्पेशल नेम। एन एग्जैक्ट नेम क्या है? एक विशेष नाम है इसका, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम और वस्तु का नाम। एग्जाम्पल मोहन, सीता और जयपुर। आया समझ में? इसी प्रकार आपके सेकेंड है कॉमन नाम या कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या है? सामान्य नाम, जाति वाचक जाति का बोध कराते हैं। एक कॉमन नेम इज ए नेम ऑफ पर्सन। एक कॉमन नेम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, प्लेस का नाम है और थिंग्स का नाम है। कैसे? बॉय। तो बॉय में इसमें एक जाति दे दी, पूरी जाति वाचक संज्ञा का दे दिया, पूरा जाति का बोध करा दिया। बॉय सारे लड़के जितने भी नेम है वो आ गए। गर्ल्स इसमें भी जाति वाचक संज्ञा कॉमन। स्टूडेंट बॉय और गर्ल दोनों, सिटी नाम नहीं दिया है, लेकिन पूरा जो सिटी अगर आ जाता है तो कॉमन आएगा। स्कूल, स्कूल का प्रॉपर नेम, नेम नहीं दिया, एग्जैक्ट नेम होता तो वो इसमें आता, लेकिन स्कूल दे दिया तो वो इसमें आएगा। तो कॉमन नाम में आपके व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तुओं का नाम आएंगे, लेकिन वो जाति का बोध करेंगे, वो गर्ल, स्टूडेंट, सिटी और स्कूल। तो आपके जो इस लेसन में टू टाइप्स के दिए गए, पहला एग्जैक्ट नेम, सेकंड कॉमन नेम। प्रॉपर नाउन कह सकते हो और कॉमन नाउन भी कह सकते हो। प्रॉपर नाउन जिसमें स्थाई नेम होंगे, एग्जैक्ट नेम होंगे मोहन, सीता, जयपुर, इंडिया, और कोई भी वस्तु को दूसरा प्रकार होगा, उस वस्तु का नाम होगा। कॉमन नाउन में व्यक्ति का नाम होगा, स्थान का नाम होगा, वस्तु का नाम होगा। नेम ऑफ पर्सन व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ प्लेस स्थान का नाम, नेम ऑफ थिंग्स वस्तुओं के नाम। लेकिन जाति का बोध करेंगे, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, सिटी और स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है। टू टाइप्स के, ये इसका उल्टा है जस्ट, और ये इसका जस्ट उल्टा है। इसमें एग्जैक्ट नेम आएंगे, इसमें एग्जैक्ट नेम नहीं आएंगे, जाति का बोध कराएंगे, कॉमन नाउन में वो आते हैं।
अब आपके लेशन में कुछ दिए हुए हैं एक्सरसाइज, वो करनी है आपको, कैसे करनी है उसको समझ लेना। अब ये आपके एक्सरसाइज है डी वाली, ये आपको करना है डी वाली एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, राइट एन एग्जैक्ट नेम फॉर द फॉलोइंग कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स दिए हुए, कॉमन नेम दिए हुए, फर्स्ट गन, सेकंड स्टेशन, थर्ड कंट्री, फोर बॉय, फाइव कार और सिक्स प्रिंसिपल। तो आपको क्या करना है, इसमें एग्जैक्ट नेम लिखना है। जैसे पहला बता रहा हूं, ध्यान से समझना, पहला है गर्ल, तो इसमें लड़की का कोई नाम लिखना है, वो एग्जैक्ट नेम हो जाएगा, जैसे सीता, रीमा, कुछ भी लड़के का नाम आना चाहिए। वैसे ही स्टेशन, तो स्टेशन में आपको एक स्टेशन का नाम लिखना है, पर्टिकुलर स्टेशन का नेम। कंट्री, तो कंट्री का नेम लिखना है। बॉय, बॉय का नेम लिखना है। कार, कार का नेम लिखना है। और प्रिंसिपल, तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर का नाम लिखना है। आगे देखो, एक एक्सरसाइज और कर सकते हो आप, इसको देखो, राइट ए कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स गिवन इन बिलो। अगर पिक्चर्स बना सकते हो तो अच्छी बात है, छोटी छोटी पिक्चर बनाना ऐसी, और इसमें लिखना है क्या है, कॉमन नाउन नेम ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स गिवन बिलो, ये क्या है, ये तीनों के नाम लिखने हैं। और एफ वाली में आपको क्या करना है, एफ वाली में राइट एज मेनी नाउन्स एज यू कैन दैट गो विद द कॉमन नाउन्स गिवन बिलो, वन इज डन फॉर यू। जैसे इसमें क्लास लिख दिया, अब क्लास लिख दिया तो क्लास में क्या है, देखो चौक, डस्टर, बेंच और टेबल, मेनी नाउन्स लिखने हैं। स्कूल में स्टूडेंट आ सकता है, और भी बहुत सारे आएंगे, हाउस है, गार्डन है, एम्यूजमेंट है, पार्क है, जू है, रेलवे स्टेशन है। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज और करनी है, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वन इज डन फॉर यू। अंडरलाइन करना है किसको, नेमिंग वर्ड्स को, जिसमें कॉमन और एग्जैक्ट नेम दोनों ही आएंगे, दोनों को करना है। जैसे द लॉयन इज इन हिज डेन, तो लॉयन नेमिंग वर्ड्स और डेन नेमिंग वर्ड्स। जैसे आगे आपको इसमें करना है, सेकेंड वाला है द बॉय इज सिटिंग ऑन ए चेयर, इसमें दो नेमिंग वर्ड्स है। माई आंट इज कुकिंग फूड, इसमें माई आंट इज कुकिंग फूड, ये करना है। द कारपेंटर इज मेकिंग ए डोर, इसमें भी दो नेमिंग वर्ड्स है, बस वो लिखना है आपको। और सी वाला भी कर सकते हो, इसमें आपको पहले ये पजल बनानी पड़ेगी और क्रॉसवर्ड करना पड़ेगा, पिक्चर्स देख लेना और उसके बाद क्रॉसवर्ड से करना है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है। अगला चैप्टर आपका आएगा वन एंड मेनी, सिंगुलर और प्लूरल, बहुवचन के बारे में आएगा, फोर्थ लेसन। लेकिन इसको वापस मैं थोड़ा शॉर्टकट समझा देता हूँ, लेसन थ्री, नेमिंग वर्ड्स, इसको नाउन भी बोल सकते हैं, संज्ञा भी बोलते हैं। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, नेम्स ऑफ पर्सन, व्यक्ति के नाम, प्लेस एंड स्थान के नाम, एनिमल्स जानवरों के नाम, थिंग्स वस्तुओं के नाम। नेमिंग वर्ड्स आर ऑफ द टू टाइप्स, नेमिंग वर्ड्स दो प्रकार के होते हैं, एग्जैक्ट नेम्स जिसको प्रॉपर नाम बोलते हैं, एंड एग्जैक्ट नेम इज द स्पेशल नेम ऑफ। एग्जैक्ट नेम क्या होता है, एक विशेष नाम होता है इसका, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम और वस्तु का नाम, ठीक है। तो व्यक्ति का नाम मोहन, सीता, गर्ल आ गया, मोहन बॉय हो गया, जयपुर एक सिटी का नेम हो गया, तो एग्जैक्ट नेम स्पेशल नेम होगा वो, लेकिन वो एक जाति का ही बोध कराएंगे, पूरी जाति का बोध कराएंगे। जैसे बॉय, इसमें पर्टिकुलर नेम नहीं आएगा, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, सिटी और स्कूल। तो ये आपके छोटा सा लेसन है थर्ड वाला, इसको ध्यान से समझना, और जो एक्सरसाइज मैंने बुक से अभी आपको दिखाई थी उसके हिसाब से इसको पोस्ट करके आपको करना है। और जो फोर्थ लेसन आएगा वो आपके होगा वन एंड मेनी, सिंगुलर टू प्लूरल्स, एक वचन और बहुवचन, जो अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। ध्यान से इसको समझना, ध्यान से इसको देखना। थैंक यू।